Next question. Question says one end of a metal rod is dipped in boiling water. एक एंड आपने क्या किया, उसको boiling water में डाल दिया. And the other end is dipped in melting ice. अब हमारे चार स्टेटमेंट है. All part of the rods are in thermal equilibrium with each other. दूसरा है we can assign a temperature to the rod. We can assign a temperature to the rod after steady state is reached. चौथा है state of the rod does not change after steady state is reached. Now इसको देखना बहुत simple सवाल है, conceptual है कि ये आपका स्नैरियो है कि ये आपकी रॉड, उस रॉड को आपने यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है. मान लेते हैं रॉड का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था. ठीक है, अब जब आपने इसको यहाँ पे इस पर कनेक्ट किया, यहाँ पे इस पर कनेक्ट किया, तो यहाँ पे स्टडी स्टेट जो स्टार्ट होती है उससे पहले आपकी दो स्टेजेस और आती हैं. पहली स्टेज को हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्टार्ट. तो 25 डिग्री का जो आपका ओरिजिनल, लेट अस अज्यूम 25 डिग्री आपका टेम्परेचर था, तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके 100 के आसपास टेम्परेचर को टच कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो आपका 0 डिग्री को टच करेंगे उनका टेम्परेचर अब गिरना चाहेगा, वो 0 डिग्री को अचीव करना चाहेगा बिकॉज वहाँ पे आपका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो उसका वाइब्रेशन आपका उसके बेसिस पे कम हो जाएगा. तो अब यहाँ पे पहली स्टेज तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्टार्ट. दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल स्टेज, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री से बढ़ना शुरू हुआ है और अगर यहाँ पे हीट कंडक्शन आपको करना है, कांस्टेंट आपको हीट करंट चाहिए, तो हर बॉडी का, इस रॉड का हर पार्ट अपना डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा और वो टेम्परेचर यहाँ पे 100 है तो नियरेस्ट वाले का यहाँ होगा 100 डिग्री होएगा, यहाँ पे 0 होएगा और कहीं ना कहीं बीच रास्ते में आपका 80, 90, 70, 50, 60 डिग्री टेम्परेचर भी आएगा. वेरिएबल स्टेट में जो आप हीट लेंगे या जो मॉलिक्यूल हीट लेता है उसका कुछ पोर्शन अपने पास रख के बाकी आगे ट्रांसफ़र कर देता है. स्टेडी स्टेट में हीट एब्जॉर्प्शन उसका अपना 0 हो जाता है. टेम्परेचर यहाँ से वहाँ कंडक्ट करने के लिए अपनी हीट, उसका अपना टेम्परेचर अब कॉन्स्टेंट हो जाएगा. उस सिनेरियो में अगर हम यहाँ बात करें स्टडी स्टेट में, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. दूसरा स्टेटमेंट है विच सेज वी कैन असाइन अ टेम्परेचर टू द रॉड. नाउ ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. तीसरा है वी कैन असाइन अ टेम्परेचर टू द रॉड आफ्टर स्टडी स्टेट इज रीच्ड. नाउ ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं होएगा बिकॉज यहाँ पे हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग है. चौथा कहता है स्टेट ऑफ द रॉड डज नॉट चेंज आफ्टर स्टडी स्टेट इज रीच्ड, सो दैट वुड बी राइट आंसर. तो इस सिनेरियो में आपका इस रॉड के स्टेट की बात करोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हर पॉइंट पे आपके अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन होगा सो दैट हीट ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो सके. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है डी ओनली, दैट वुड बी द राइट आंसर.